हेलो हाय, स्कूटी मिल गई है। कैसे मिली, क्या करना पड़ा, ये सब मैं बताऊंगी हॉस्टल पहुंचने के बाद। इन द मीन टाइम आप देखते रहो सीनरीज। मिलते हैं लास्ट वीडियो में आज की। सो फाइनली आई हैव गॉट माय स्कूटी बैक एंड नाउ मैं यहाँ से आपको रास्ता दिखाते हुए चलूँगी हॉस्टल तक का। सो जैसा कि आप सबको पता है आज का दिन मेरा कैसा रहा। स्कूटी फाइनली मिल तो गई, बट स्कूटी मिलने के प्रोसेस में क्या क्या हुआ वो मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, तो वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी मैं। सबसे पहले तो जब मैं गई स्कूटी मुझे मिली, मैंने देखा वाओ, उसको बस शिफ्ट किया गया। बाद में मैंने देखा कि अरे वाह, इसमें लॉक लगा हुआ है। फिर उसके बाद मैं गई सिक्योरिटी के पास, तो पता चला कि वो सिक्योरिटी कहता है कि आप जाओ डिपार्चर पे। अगेन डिपार्चर पे गई, फिर दोबारा डिपार्चर पे जाके पता किया तो कहते हैं कि ये नया स्टार्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर जो नया आया हुआ है ये वही बता सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर से पता कराया कहाँ है कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने कहा कि अभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, और जो जितनी भी इस तरह की लावारिस वस्तुएं थीं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में उनको अलग रखा गया है, और उसके ऊपर कुछ पेनल्टी वगैरह भी लगाएंगे और झाड़ झूड़ लगाएंगे वो तो अलग ही है। तो इसलिए वो मिलेगी मुझे नेक्स्ट डे। कहा चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट डे दे देना फिर और क्या। बट संभव मेरी एक दो लोगों से और फिर बात होती रही वहाँ पे। फिर सपोर्टिव थे जो स्टाफ थे। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा वो ये कि मैं हिंदी में बात कर रही थी, वो कन्नड़ में बात कर रहे हैं। तो
समझाया संभव, फिर किसी स्टाफ के मेंबर से बात हुई और फिर फाइनली मेरी स्कूटी अनलॉक कराई गई। अनलॉक करने के बाद मुझे मिलते मिलते ऑलमोस्ट 2 बज गए होंगे इस पूरे प्रोसेस में। फाइन जो लगाना था फाइन लगाया, मैंने फ़ाइन पे किया 1450 रुपीज़ का, ठीक है। और उसके अलावा जो डांट खाई वो अलग। लेकिन फिर मैंने कुका जाके रिपोर्ट्स दिखाई, मैंने कहा देखो मैं इमरजेंसी में ही गई थी मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ और मैं हॉस्पिटल में थी। तो फिर जाके फाइनली उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे उनको लगा, फिर भी उसने कहा कि ऐसा नहीं करना अगली बार से। मैंने कहा सर पहले तो पेड पार्किंग थी नहीं, तो मेरे को सर ने गेट पहले सर ने ही कहा था कि लगा दो फ्लैग के नीचे, तो मैंने भी लगा दी फ्लैग के नीचे फिर करते करते फाइनली मिल गई। तो उसके बाद मैंने जो एक वीडियो बनाई कि रास्ता दिखाती हुई चलती हूँ, फिर मैंने सोचा आके मैं आराम से बिस्तर में घुस के सो के उसके बाद मैं इसका क्लाइमेक्स बनाऊंगी कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये ओवरऑल स्टोरी रही, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। आई मीन मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होता रहता है इंटरेस्टिंग, बट ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं आई तो रास्ते की भी मैंने वीडियोज़ बनाई, तो वो भी मैंने कवर की, वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने कुछ आके सो गई, थकी तो हुई थी मैं, तो आके मैं सो गई। सो के बाद सोने के बाद उठी तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ ये वाली वीडियो भी। जो पहली वीडियो शुरू की थी वो भी बिस्तर में से शुरू की थी सोते सोते, अब जो क्लोज़ करूँगी वो भी बिस्तर में घुसी घुसी क्लोज़ कर देती हूँ। यहाँ पे अच्छा खासा मौसम ठंडा है, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही हूँ। और क्या, और प्यारी सी जगह, बहुत ही प्यारी सी जगह, हिल स्टेशन है तो हर वक्त बातों के बीच में रहते हैं। मेरा प्लान है कल मॉर्निंग का कि मैं मॉर्निंग में आसपास के जो लोकल कुछ कोई प्लेस अगर हो सकता है कवर करने का तो मैं कोशिश करूँगी कवर करने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये स्कूटी सर्च सीरीज ख़त्म होती है यहाँ पे फाइनली, ठीक है। अब हम कुछ और ढूँढेंगे कोई नई जगह ढूँढेंगे, कुछ और एक्सप्लोर करेंगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेल आइकन के साथ में, ठीक है। एक तो मेरा नया चैनल है, ठीक है, उसके बाद से लोग आएंगे और आके देख के वीडियो चले जाएंगे, उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मेरा भला ही नहीं होगा। तो भला नहीं होगा का मतलब कि अल्टीमेटली मैंने इतनी सारी मेहनत अगर की है तो उसका मुझे कुछ कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखी जाएगी, अगर ये वीडियो लाइक नहीं की जाएगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा। इसलिए तो कर दो ना यार, प्लीज़ कर देना, चाहे जैसे मर्जी करो, कर देना देख के, किसी से पूछ के कर लो अगर नहीं आता था। मुझे भी नहीं आता था ना पहले, जब मुझे पता चला कि अच्छा इसका चक्कर क्या होता है तब फिर मैं भी अब सबके चैनल लाइक कर देती, आई मीन सब्सक्राइब कर देती हूँ, अदरवाइज पहले मैं भी नहीं करती थी, ठीक है। फिर समझ में आया कि अच्छा चक्कर क्या है, क्यों बार बार बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ये वो। मैं तो ये कहूँगी वॉच कर लो, पूरी वॉच ही कर लो कम से कम मेरी वीडियो। मिलती हूँ मैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन सब कर देना प्लीज़।